बंगाल क्रिकेट टीम के कप्तान मनोज तिवारी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। 18 फरवरी 2024 को वो आखिरी बार रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार के खिलाफ मैदान पर उतरे। मैच में बंगाल की टीम ने आसान जीत हासिल की। मैच खत्म होने के बाद मनोज तिवारी ने अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान कई खुलासे किए हैं। टीम इंडिया में ज़्यादा मौके नहीं मिलने पर धोनी से नाराजगी जताने की बात करने वाले तिवारी ने अब गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी के मुताबिक उनके क्रिकेट करियर के दौरान कई यादगार लम्हे रहे, लेकिन एक चीज़ वो कभी भुला नहीं पाए हैं, वो गौतम गंभीर के साथ हुई उनकी लड़ाई है। इसको लेकर उन्होंने स्पोर्ट्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं मानता हूँ कि गौतम गंभीर के साथ हुई मेरी लड़ाई एक बड़ी भूल थी। मेरे दोस्तों से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं उस तरह का खिलाड़ी नहीं हूँ जो अपने सीनियर प्लेयर्स से भिड़ता है। मैं उस लड़ाई से अपने आप को दूर कर सकता था। सीनियर्स के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन एक लड़ाई ने मेरी छवि खराब कर दी थी। तिवारी से जब सवाल पूछा गया कि क्या गंभीर ने आपसे मैच के बाद कहा था तू बाहर मिल, आज तो तू गया, इसके जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ ये बात सच है, उन्होंने जो कहा वो उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोटला में पत्रकारों वाला टेंट मैदान के अंदर लगा होता है और इसलिए किसी ने बात सुन ली। मुझे इस लड़ाई को लेकर और भी बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बाद में हमने एक ही टीम के लिए क्रिकेट खेला, साथ में काफ़ी बात भी की। जब हम KKR के लिए साथ खेलते थे तब हम काफ़ी बातें किया करते थे। तिवारी ने आगे कहा, गंभीर और मेरे अंदर खेल को लेकर काफ़ी जुनून है, लेकिन उस जुनून की वजह से कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों के सामने नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके बाद ना तो हमारी मुलाकात हुई और ना ही इस मुद्दे को लेकर हमने कभी बात की। तो क्या हुआ था? दरअसल साल 2015 में फिरोज शाह कोटला मैदान पर बंगाल और दिल्ली के बीच रणजी मुकाबला खेला जा रहा था। मैच में मनोज तिवारी नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। वो पहले कैप पहनकर बैटिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सुमित नरवाल की बॉलिंग के दौरान हेलमेट मंगाने के लिए इशारा किया, तभी स्लिप में खड़े गौतम गंभीर से उनकी बहस हो गई थी, जिसके बाद खिलाड़ियों ने आकर बीच बचाव किया था। आपको बताते चले कि दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए साथ में क्रिकेट खेल चुके हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रविराज। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।